तो बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक है हमारा नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट, यानी जो नॉर गेट है यूनिवर्सल गेट कैसे यूज होता है, यानी यूनिवर्सल गेट क्यों होता है, क्योंकि नॉर गेट से हम नॉट गेट, एंड गेट और गेट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, यानी कुल मिला कि नॉर गेट से हम क्या करते हैं, बेसिक गेट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारा नॉट गेट, नॉर एज अ नॉर एज नॉट, नॉर कैसा बिहेव करेगा, नॉट जैसा बिहेव करेगा। तो उसके लिए देखता हूं, तो हमारे पास ये क्या है, अगर मैंने और में बबल लगा दिया था तो नॉर बन गया था, ठीक। ये हमारा ये आउटपुट था, लेकिन इसके दो इनपुट थे, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। ये है मतलब, ये भी ये है, ये भी ये है, कंबाइंड हो गया। कंबाइंड होने का मतलब जो आउटपुट था इसका ए प्लस बी का बार था, लेकिन अब बी नहीं, दोनों ही ए है। तो कितनी बार ए लिखा हो तो लिखेंगे तो हम एक ही बार ही, क्योंकि हाई हाई को एक ही बार लिख सकते हैं या लो लो को एक ही बार लिख सकते हैं। यानी 0 + 0 को 2 0 नहीं लिखेंगे, 1 + 1 को 2 नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखा जाता। तो ए प्लस ए सेम इनपुट्स हैं तो एक बार लिख सकते हैं आप, ठीक। तो बस हो गया। तो ये जो हमारा अब कैसा बिहेव कर रहा है, नॉट गेट जैसा बिहेव कर रहा है। देखो यही तो जानते थे ना, ऐसे बना लो, ए है तो वाई हमारा कितना आएगा, ए बार, तो वही तो आ रहा है, ए दिया है तो ये बार आया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर नॉर एज और, नॉर और जैसा कैसे बिहेव करता वो देखता हूं मैं। तो देखना, अगर मैं ये नॉर गेट बना दिया, बबल लगा दो और में, नॉर बन जाएगा। हमारे पास दो इनपुट्स हैं और में वैसे भी जानते हैं दो इनपुट्स होता है, इसलिए कंबाइंड नहीं करूंगा। तो नॉर गेट का जो आउटपुट मिलता है तो हम जानते हैं कि ऐसा मिलता है हा? अभी आपने पढ़ा, ठीक, ये बूलियन अलजेब्रा नॉर गेट के लिए ये होता है। इससे पहले वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। अब दोनों को मैंने कंबाइंड किया, कंबाइंड किया, कंबाइंड करने के बाद फिर से एक ठो नॉर गेट, वो नॉर गेट लगा दिया, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ये यक्ष जैसा मान लेता हूँ, यक्ष जैसा मान लेता हूँ। तो ये जो हमारा वाई होगा क्या यक्ष पर बार हो जाएगा क्या, क्योंकि ये भी नार होता है, इसका बार होता है। तो यक्ष की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी का बार मैंने लिखा, तो ये बार पहले से था, यक्ष की वैल्यू अगर मैं रखूं तो एक बार और आ जाएगा। और मैंने यहां बताया था डी मॉर्गन थ्योरम से, बारी बारी से चेंज दस, या ये भी कह दो कि दो बार बार लगने से बार हट जाता है ए प्लस बी। तो अब ये बताओ, ये और गेट की बुलियन अलजेब्रा है कि वो बुलियन इक्वेशन है कि नहीं। तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा कैसा काम करेगा बताइए, और गेट जैसा काम करेगा कि नहीं। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है कैसा काम करेगा बताइए, और जैसा काम करेगा कि नहीं, और जैसा, ठीक, करेगा ना, क्योंकि आप देखो दो इनपुट्स थे और इस इनपुट का बुलियन इक्वेशन मिल गया मुझे। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, नॉर एज एंड, नॉर कैसा बिहेव करेगा, एंड जैसा बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। ठीक बच्चों, तो देख रहा, अगर मैं नॉर गेट बना दिया, ये नॉर गेट मतलब और मैं बबल लगा दो इधर, और दोनों इनपुट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, ये हो गया हमारे। एक मैंने और लिया ऐसे ही, मतलब अब नॉर गेट मिलाकर आप नॉट गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तो
तो देखो इन दोनों को कंबाइन करके एक नॉर गेट मैं और लगाता हूं। तो ठीक ऐसा मैंने कर दिया ये, ठीक। तो आप जाते हो अगर नॉर है तो यहां पे क्या मिलेगा, इसका जो इनपुट मिल आउटपुट मिलेगा बार मिलेगा, क्योंकि नॉर भाई ऐसे होता है ना बार, तो ये वाला तो है नहीं, तो एक ही तो है, कंबाइंड है दोनों, तो ये भी कितना आ जाएगा, बी बार हो जाएगा। तो यहाँ ए बार बी बार, तो यहाँ जो आउटपुट हमको मिलेगा क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का बार, क्योंकि ये ए भी जैसा काम कर रहा है, इसका खुद का बार एक ठो लगता है, ठीक। तो ऐसा लिखोगे, अब डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, बाय डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, ए पर बार बार, यह डॉट हो जाएगा बार बार, दो बार बार लगाने का मतलब क्या है, हट जाएगा, यही तो होता है एंड गेट का, क्या कहते हैं कि बोलियन इक्वेशन, यही तो होता है। तो ये नॉर गेट कैसा बिहेव करेगा, एंड गेट जैसा बिहेव करना है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये भी, और हम लोग अब चलेंगे कुछ स्पेशल पर्पस टाइप गेट जिसे एक्सोर एंड एक्सनोर गेट कहते हैं, ठीक है ना, इसे एक्सोर गेट भी कहते हैं, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ओके।